वाह। इस वक्त हम जन्नत नजीर वादी फलकोट शरीफ की तरफ जा रहे हैं, जो कि अहमदाबाद में है। इस जगह की स्पेशलिटी यहाँ की खूबसूरती है। Oh my God! ये एरिया स्पेशली मुझे इस वजह से ही पसंद है कि इसकी लोकेशन ऐसे है कि दरमियान में एक घर है, घर के चारों तरफ पहाड़ है, चारों तरफ, एक तरफ पहाड़ों में ही एक तरफ छोटा सा जंगल है, बल्कि जंगल मेरे पीछे ही है ये इस वक्त, ये देख रहे हैं, और जंगल के बिल्कुल सामने एक चश्मा बह रहा है। तो चश्मा बल्कि इस साइड पे है, लेकिन थोड़ा सा नीचे करके है, नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन आप नेक्स्ट क्लिप में देख लें। तू मेरा पुत्र छुट्टी का क्या? ये सामने चश्मा बह रहा है, पहाड़ बिल्कुल सामने, वो घर है, जंगल। मैं बिल्कुल नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि जो आप एनिमल्स एक्सपेक्ट करते हैं कि एक जंगल में हो सकते हैं, वो यहाँ हैं। अजीब जानवर है। अभी तो सुबह का टाइम है, चश्मे की जो आवाज़ है यहाँ तक तो आ रही है, लेकिन उतनी तेज़ नहीं है एज़ कम्पेयर टू जब यहाँ पे रात होगी तो चश्मे की आवाज़ यहाँ पे हर जगह गूंजेगी, मतलब इतनी तेज़ होती है। बस स्पेशली कुछ रीजंस ये भी हैं कि नाइट में ये जो वॉइस होती हैं ज़्यादा फील होती हैं। तो एक छोटा सा चश्मा यहाँ पे भी है, मेरा चश्मा तो नहीं, खैर ये पानी आ रहा है ऊपर पहाड़ों से ही। ये पहाड़ों के पत्थर हर जगह मिलेंगे, जो एक दूसरे को मारने के लिए यूज होते हैं। मस्ती कर रहे हैं पोला जी, सीरियस नहीं हो ना, मजाक कर रहा हूँ, कोई ऐसा सीन नहीं है यहाँ। तू मेरा पुत्र छुट्टी का क्या? पानी के अंदर पहला कदम जाने लगा है, मुझे इतना तो आइडिया है कि पानी बहुत ठंडा है, आगे स्वाद। अभी मैंने सिर्फ अपने पांव डुबोए हैं और मेरे पांव अभी सुन्न हो चुके हैं, टोटली सुन्न। अब पानी भी आने लगे हैं। हमारे साथ एक छोटी दुनिया भी है, ये भी एंजॉय कर रहे हैं, इकट्ठे ही आए हैं हम। यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ही माइंड ब्लोइंग है, ये बिल्कुल ही साफ चश्मा है। यहाँ के जितने इलाके के जितने भी लोग हैं
सब लोग इसी का पानी पीते हैं और इंतहाई ठंडा, और आई थिंक ये सर्दी हो या गर्मी हो यहाँ पे मेरे ख्याल से पानी रुकता नहीं है, है ना। सर्दी हो या गर्मी हो चश्मा बहता ही रहता है, चश्मा कभी बंद नहीं होता ये। ओके पानी की क्लैरिटी चेक करें, ना पत्थर है छोटे छोटे जिनके अंदर ना कीड़े हैं। फुल हैवी देसी स्टाइल में खाना, बड़ा मजे का खाना है, पूरा सेट में खाना है। आप भी कभी जाएं तो यहाँ पे लाजमी खाएंगे, पहाड़ों का खाना, पहाड़ी खाना, पहाड़ी खाना। और हम सिर्फ चश्मे का पानी पीने जा रहे हैं। चश्मे के पानी की आवाज़ तो आ रही है, लेकिन यहाँ पे एनिमल्स भी हो सकते हैं, कई किस्म के, इवन के स्नेक भी। लास्ट टाइम मुझे याद है जब ऊपर जा रहे थे हमने बकायदा एक स्नेक देखा था और यहीं से वापस दौड़े थे, याद है हमसे पिछली बार स्नेक था यहाँ। हाँ, इस पहाड़ी के ऊपर बुजुर्गों के मज़ारात हैं, तो अब हम ऊपर जाने लगे हैं। ऊपर जीप का सफर होगा और बहुत ही एडवेंचरस वो रूट होने वाला है। और ये ऊपर जाने का रूट स्टार्ट हो गया, ये एक नया रूट है, बाकी देखते हैं, लेकिन बहुत ही कच्चा रूट है ये देखना। देखिए बिल्कुल ही ऑफ रोड है ये, और जहाँ भी हम जीप पे रहे हैं बहुत ज़्यादा जीप हिल रही है, लेकिन इंजॉयबल एडवेंचर है। जितना ऊपर जा रहे हैं उतना नीचे आना है, और इसी रोड से नीचे आना है, और नीचे आते हुए ज़्यादा दिल धक धक करता है। और हम आते हुए पैराशूट लगा के तक नीचे आएंगे। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, ज्यादा छोड़ दिया उसने। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। और ये हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं जहाँ पे मज़ारात है, ये देखो। इस वक्त हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई है, लेकिन बारिश का एक स्पेशलिटी ये है कि इस वक्त यहाँ पे धूप भी निकली हुई है, और सबसे मेन बात बादल का है। कौन सा बादल है जिसमें से बारिश हो रही है, बादल दिखाओ, बादल का है ये वाला बादल है, ये तो मेरी समझ से बाहर है। हाँ वक्र, हम कितनी हाइट पे हैं? हम बहुत हाइट पे हैं। हाइट का अंदाज़ा भाई इससे लगा ले। हम बहुत नीचे थे, वो सामने घर नजर आ रहे हैं ना, पहले हम वहाँ पे थे और अब पहाड़ी के ऊपर इस हाइट पे वो है ना।
तो हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, व्यू चेक कर रहे हैं। बच गए, बहुत बचे। फलकोट शरीफ का हमारा ब्लॉग होता है।